ताज़ा न्यूज़ के लोकल कवरेज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीवा की कुछ खास बड़ी खबरों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। आज की पहली बड़ी खबर है कि रीवा पुलिस ने 10 लाख से अधिक कीमत के ब्राउन शुगर को जब्त किया। इसके साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। अगली खबर रीवा के कोरोना महामारी को लेकर है। रीवा अल्ट्राटेक के 8 कर्मचारी समेत कुल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही बड़े सराफा कारोबारियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। अगली खबर है कि कल रीवा में भारी बारिश के चलते कई बांध में जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते बकिया डैम के 2 गेट और बीहर डैम के 4 गेट खोल दिए गए। अगली खबर सिरमौर से है कि वहां के टोंस विद्युत जल परियोजना का यूनिट नंबर 1 का काम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद जैसे ही यूनिट नंबर 1 को टेस्टिंग के लिए डाला गया तो हाई वोल्टेज की वजह से उसमें फॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से विद्युत उत्पादन का काम थोड़ा ढीला पड़ गया है। LAC पर शहीद हुए रीवा के शहीद दीपक सिंह को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का चेक भेजा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विधायक गिरीश गौतम ने ये चेक परिजनों को सौंपा। इसके साथ ही विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि शहीद दीपक सिंह के नाम पर गांव में एक मिनी स्टेडियम और अस्पताल भी बनाया जाएगा। इसी तरह की लोकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।